मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। बासित, क्या हरकत है ये? इससे पूछे सर, गलत हरकत ये करती आई हमेशा। मैं अभी और इस वक्त जो हरकत हुई है उसकी बात कर रहा हूं। सर मैं निमरा से मिलकर आ रहा हूं। कहां थी वो? अपने बाप के पास। अच्छा, अपने बाप से इतनी मोहब्बत फूट फूट के आई कि वहां चली गई? सर गई नहीं, भिजवाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर पूछे इससे, निमरा की अलमारी में लेटर लिखकर किसने रखा था? उसके किरदार पर कीचड़ किसने उछाला है? बताओ। हाँ मैंने रखा था, मैंने किया ये सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान के पीछे। कोई नहीं है हमारे दरमियान, कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। अगर वो अब भी इस घर में वापस आई तो मैं उसे हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो इस घर से दूर रहे, और अगर इस घर में वापस आए तो मैं धक्के देके निकाल दूं उसे। डैड क्योंकि मैं जानती थी कि वो वापस आएगी, इसके लिए वापस आएगी वो। शीजा बस बस कर दो ये, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। अगर कुछ नहीं था तो क्यों तुम जाके उससे बार बार मिलते हो? अभी क्यों उसके पीछे गए? मैंने भेजा था इसे, मैंने कहा था जाके उसकी खबर लेके आओ। कहाँ है वो? डैड आप इसे कवर अप कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात है, और आप भी मुझे बस कर दो शेजा, कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आइंदा भी करूंगी, बहुत कुछ किया है मैंने तो, उसके बाप को भी पैसे दिए, अब वो दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आ सकती। तुम इतना गिर सकती हो शेजा, इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं। वो इस घर में वापस नहीं आएगी, और अगर वो आई तो मैं फिर से कुछ करूंगी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में गलत ताल्लुकात है, किसने गलत किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे बीच, कुछ नहीं है, समझ आई? और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। इसी वक्त अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.